वाम छात्र संगठनों ने गुरुवार को बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य की ममता सरकार के विरोध में एक रैली बुलाई, जिसमें शामिल कई छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंताप और मैं हूं नेहा। सुबह सुबह की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि कई जगह दुकानें बंद हैं। बंद का असर रेल सेवा पर भी पड़ा है। वाम मोर्चा समर्थकों ने सियालदह के जाधवपुर में ट्रेनें रोक दी। लगभग उसी समय उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा और बारासात समेत कई स्टेशनों पर वाम मोर्चा समर्थकों ने ट्रेनें रोकी। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जाधवपुर में वाम नेता सुजन चक्रवर्ती भी रेल अवरोध में शामिल हुए। गौरतलब हो कि बीते कल की घटना के बाद वाम मोर्चा के समर्थक और अध्यक्ष विमान बोस ने पुलिस की कार्यवाही के विरोध में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 12 घंटे का बंगाल बंद की घोषणा की। उधर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस पर वाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आरोप लगाया है। वाम मोर्चा के 12 घंटे बंद का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाम मोर्चा के समर्थक आज सुबह 11 बजे से कोलकाता के एंटाली मार्केट से एक जुलूस निकालेंगे। जुलूस में वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस, सीपीएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा और अन्य लोग शामिल होंगे। बीते कल सीपीएम विधायक और वाम पंथी नेता इब्राहिम अली को पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद अचानक नवान में शामिल हो गए, नवान के सामने आ गए। उनके साथ और भी कई लोग थे। यहाँ विरोध करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद कई और अशांति की खबरें आने लगी। पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे जुलूस को रोका। हजारों की संख्या में वाम समर्थक अलग अलग हिस्सों से रैली करने नवान की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और पहले की तरह जगह जगह पर बैरिगेट्स लगा दिए। वाम समर्थकों ने बैरिगेट को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस के साथ उनकी जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान डोरीना क्रॉसिंग पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसी कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आप सबको पता चल सके और आप सब ऐसी कंटाप खबरों से अपडेटेड होते रहे। शुक्रिया।